Hello, students. Hope you all are doing well. My name is Apeksha, and today we will discuss the question answers of chapter 1 of class 8. The name of the book is Honeydew, and the name of the chapter is The Best Christmas Present in the World. If you have not seen the summary chapter, please do check out in the summary playlist. So, the first question is What did the author find in a junk shop? ऑथर ने जंक शॉप में क्या पाया द ऑथर फाउंड वन ऑफ द लेग वॉज क्लमजली मैंडेड एंड देर वार्क द ऑथर बॉट इट इन ऑर्डर टू रिस्टोर इट ऑथर को एक टेबल मिला एक रोल टॉप डेस्क दैट ही लॉन्गेस्ट टाइम for some of his work, so he found it finally. That was a ऑफ century roll top desk. It was made up of oak, oak, baloot, अपलूथ का पेड़ उसकी लकड़ी का वो बना हुआ था बहुत ही बुरी कंडीशन में था टूटा हुआ था एक जो उसका पाया था वो बहुत बुरी तरह से मुड़ा भी हुआ था और देवर स्कॉच मार्क्स स्कॉच मार्क्स झुलसा हुआ जब कोई चीज जल जाती है लकड़ी कभी जल गई होगी तो वैसे उसपे कुछ निशान थे द ऑथर बॉट इट इन ऑर्डर टू रिस्टोर इट ऑथर ने उसे खरीद लिया क्यों बिकॉज ईंटेड इट फॉर अ लॉन्गेस्ट टाइम सेकेंड रीजन वॉज इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव थर्ड रीजन इट ही वॉज गेटिंग इट इन अ वेरी नाइस प्राइज एज इट वॉज अ सेकेंड हैंड नेक्स्ट क्वेश्चन वट डिड ही फाइंड इन अ सीक्रेट ड्रॉर वू डू यू थिंक है ऑथर को क्या मिला उस सीक्रेट ड्रॉर में और आपको क्या लगता है वो किसने रखा होगा The author found a small black tin box in a secret drawer. There was a paper cello taped to its top. It said, uh, Jim's last letter received 25 January 1915 to be buried with me when the time comes. Most likely, it was put there by Mrs. Jim McPherson, who was Jim's wife. Her name and address were on the envelope inside the box. This table made a secret drawer. Tha. जिसमें उसे एक पेपर मिला एक लेटर मिला दैट वाज कॉल्ड जिम्स लास्ट लेटर और उस पे नाम लिखा था किसने रखा होगा वो मोस्ट लाइकली जिम्स जिम की वाइफ ने रखा होगा मिसेस मैकपर्सन ने क्योंकि उस एनवेलप पे उनका नाम और एड्रेस लिखा हुआ था हु हैड रिटन द लेटर टू हुम एंड बेन किसने किसको और कब लेटर लिखा था एज वी ऑल नो वी हैड रीड द चैप्टर Jim had the to his wife on 26 December 1914। चीज थी जो जिम को कॉनी को बतानी थी जो उन्होंने उस लेटर में लिखी थी जिम रोट द लेटर टू टेल हिज वाइफ अबाउट अ वरफुलट है the british and the germans were engaged in a war yet on this day both the troops met in no man's land it was a thing of wonder because right in the middle of a war the wearing soldiers were making peace jim ne wo letter kya kyun likha tha christmas day ki sari kahani batane ke liye apni wife ko वो day special क्यों था क्योंकि British और German के जितने भी soldiers थे वो एक जगह इकट्ठे हुए दे पार्टी together.

हैंस वोल्फ कहाँ से थे डजल डॉफ से और वो एक ऑर्चेस्ट्रा ही वॉज अ सेलो इन दर्चेस्ट्रा बेसिकली वॉज रिलेटेड हैंड्स वो वाई डिड ही सेव रेडन दैप्टर बीन डोसेट कभी नहीं गए थे उन्होंने इंग्लैंड के बारे में सारी चीजें बुक्स से पढ़ी थी अपने स्कूल टाइम में Do you think Jim McPherson came back from the war? How do you know this? क्या आपको लगता है जिम मैकफर्सन वॉर से आए और आपको अगर लगता है या नहीं लगता तो वो आपको कैसे पता? No, it is most likely that Jim McPherson did not come from the war. The note paper, cellotaped to the tin box, mentioned the letter contained in the box to be the last letter from Jim. This was perhaps the last that Connie heard from Jim. उस टिन पे लिखा हुआ था द लास्ट लेटर फ्रॉम जिम मतलब नहीं कि वो नहीं आए थे वॉर से वापस वो एक लास्ट लेटर था जो कॉनी को मिला था जिम की तरफ से वेल्ड सेलिब्रेटिंग क्रिसमस इन नो मैंस लैंड द ब्रिटिश एंड जर्मन सोल्जर्स प्लेड द गेम ऑफ फुटबॉल टोल्ड जिम दैट ही होप द वॉर वुड बी रिजॉल्व बाय अ फुटबॉल मैच टू दिस जिम दैट ही नॉट वेरी गुड एट फुटबॉल बट वुड बी श्योर ऑफ विनिंग इफ दे प्लेड क्रिकेट द मैच वॉज बॉर्न बाई द जर्मस द पर है जर्मन माइट ये सारी बातें किस दिन की हैं क्रिसमस की सबने पार्टी करी सब एक साथ हुए सबने फुटबॉल खेला लेकिन जिम ने कहा कि हमें फुटबॉल नहीं आता वी शुड पर हैव प्ले द मैच क्रिकेट एंड वी विल डेफिनेटली डिफीट यू इन दैट लेकिन क्या हुआ फुटबॉल का मैच जर्मन जीत गए और जैसे शायद फुटबॉल का मैच जीते वैसे ही वो असली

who did connie mcpherson think her visitor was? connie mcpherson ko kya laga ki a visitor as she thought that the visitor was her husband jim. for how long do you think connie had kept jim's letter? get reason for your answer. and give reasons for this answer. connie must have kept jim's letter for a long time. this is because she told the narrator how she read it quite often every day so that she could feel that jim was near her connie must have had that letter for a very longest time because when the visitor came to meet connie she used to told her that she used to read that of uh, letter again and again because that reminds her of jim which sentence in the text shows that the visitor did not try to hide his identity

जर्मन हैंस जर्मन हैंस कौन थे दैट टू कैप्टन ऑफ द ट्रूप्स अ जर्मन ट्रूप एंड अ या अ जर्मन ट्रूप एंड अ ब्रिटिश ट्रूप उन्हें ऐसा क्यों लगता था कि गेम इज द बेस्ट वे टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट किसी भी लड़ाई को इस तरह के गेम्स से खत्म कर देना चाहिए दे यूज्ड टू बिकॉज़ इन गेम्स नोबडी डाइज नो चिल्ड्रन आर ऑरफन एंड नो वाइव्स बिकम विडोज़ That's why games are a good way of resolving conflicts. Wars only leads to death and devastation. Whenever you play a game, nobody dies. कोई death नहीं होती कोई खून खराबा नहीं होता and everything goes very smoothly and you just consider to be defeated or to be won. But when war occurs, there is a lot of devastation and death. बहुत सारे लोग मारे जाते हैं बहुत खून खराबा होता है बहुत सारी चीज़ें खराब हो जाती हैं दैट्स वाई दे बोथ यूज टू थिंक दैट गेम्स डू यू थिंक each अदर आपको क्या लगता है कि वो दोनों आर्मीज के सोल्जर एक से एक जैसे थे या आ, अलग अलग थे सोल्जर्स ऑफ टू आर्मीज वर लाइक ईच अदर विद ईच अदर दे शेयर ईच अदर्स फूड ऑल ऑफ वाफिंग दोनों आर्मी के जो soldiers थे, वो बिल्कुल एक तरह थे. उन्होंने साथ में क्रिसमस सेलिब्रेट करा खाया पिया दे स्मोक दे लाफ दे ईट दे देर लाइकिंग एंडलाइकिंग दे अग्रीड अबाउट एवरी थिंग वो हर बात पर एक दूसरे को सहमति दे रहे थे उन्होंने फुटबॉल का गेम भी खेला और काफी ज्यादा इंजॉय करा दे उन्होंने साथ में गाना भी एंड दे होप दैट इच वु सी हिज फैमिलीज शो दैट दर ऑफ टू आर्मी वर सिमिलर टू इच अदर वो दोनों यही, यही मानते थे कि वॉर में सिर्फ और सिर्फ डेथ होती है डिस्ट्रक्शन होता है और सभी आपस में एक दूसरे के लिए चाहते थे कि सभी अपने अपने घर जाएं और अपनी फैमिली से मिले ब्रिटिश एंड जर्मन सोल्जर्स इन द ब्रिटिश एंड जर्मन ट्रूप सेलिब्रेटेड क्रिसमस विद ईच अदर ईच वर स्मोकिंग लाफिंग टॉकिंग ड्रिंकिंग एंड जिम मैक्सन शेयर द केक कॉनी हैड बेग्ड They talk about Batsiba, Gabriel Oak, Sergi and Troy, and Dorset. They even talked about the books they liked. They agreed about everything. Both the troops played a game of football for which both Hans and Jim cheered, clapped hands and stampered feet. They also exchanged carol at night in this way. They celebrated Christmas together, finding a lot in common between them. These all are the things that I just had explained in the previous answer. So I'm not going to explain it again. It's it's very simple that they just celebrated their uh, Christmas with each other, they shared their food, they danced, they enjoyed the night etc etc. What is Connie's Christmas present? Why is it the best Christmas present in the world? When the narrator came to see Connie and gave her the box, she mistook him for his for her husband Jim. When the narrator came, when the narrator came and gave the Connie, gave Connie that box जब उन्होंने उसको वो box दिया जिसमें वो letter था. Connie thought that it was her husband Jim. She mistook him. She thought that Jim had come home from for Christmas. और उसे लगा कि Jim Christmas के लिए घर आ गये. This was Connie's Christmas present. और इसी को Connie ने अपना Christmas present मान लिया. इट वॉज बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन दर्ल्ड फॉर हर बिकॉज जिम है लेटर दैट हीस कॉनी के लिए यह बेस्ट क्रिसमस गिफ्ट था क्योंकि जिम ने लेटर में लिखा था कि वो क्रिसमस के लिए जरूर घर आएगा शी है लेटर टाइम एवरी डे टू फील दैट ही वॉज नियर हर नाउ दैट ही देयर विद एक्सट्रीमली है कॉनी रोज उसका वो लेटर पढ़ती थी और उसको लगता था कि जिम उसके पास ही है और जब जिम सच में उसके पास है देन शी आर एक्सट्रीमली हैप्पी वो बहुत ज्यादा खुश थी डू यू थिंक द टाइटल ऑफ द स्टोरी सुटेबल फॉर इट कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर टाइटल क्या आपको लगता है कि टाइटल जो है स्टोरी का द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन वर्ल्ड ये सुटेबल है ये दिस टाइटल इज ऑफ द स्टोरी इज सुटेबल फॉर इट The spirit of Christmas is the theme that prevails throughout the story. It was on a Christmas day in the middle of a raging war that two warring troops made peace. The moment of peace the soldier shared each other was the best Christmas present for them. Ha ये जो टाइटल है वो काफ़ी हद तक सही है क्योंकि पूरे चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ क्रिसमस की ही बात हुई है चाहे वो दो ट्रूप्स ने क्रिसमस पे enjoy kiaho in that middle of war they made a peace or maybe that, that on christmas day the narrator went to visit the visit mrs macpherson again it was on christmas day that the narrator went to see mrs macpherson he sent to return her husband's letter to her the letter was precious to her but even more precious was her delusion that the narrator was her husband jim who she believed

The last questions are um, grammar questions, and I'm not going to explain these questions. I want you guys to do it yourself because these are very simple questions. Very simple. Just do it by yourself, and if you find any kind of difficulty, comment down below. I will check out your difficulty there, and I will tell you what exact you have to do because these are very simple questions. You you literally don't need to do anything. You just need to change the. Um, words into past tense that's it so thank you students